हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और मैं हूँ निधि। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ पार्टी मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। और आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा मेकअप कैसा लग रहा है। और अगर आप भी चाहते हो ऐसा मेकअप करना तो आज के इस वीडियो को पूरा जोर देखें। मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ पूरा फुल मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने क्या प्रोडक्ट यूज़ किया और कैसे ये मेकअप किया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ और ये कंसीलर एले गर्ल प्रो का कंसीलर है। मैं इसे एज ए आई प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। इससे मेरा आई मेकअप काफ़ी अच्छा होगा। अगर आपके पास आई प्राइमर नहीं है तो आप कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छे से सेट कर लूँगी। उसके बाद मैं इसे कॉम्पैक्ट पाउडर से अच्छे से सेट कर लूँगी। और यहाँ पे मेरे पास जो कॉम्पैक्ट पाउडर है वो लॉरियल का कॉम्पैक्ट पाउडर है। आप कोई सा भी अपना फेवरेट कॉम्पैक्ट पाउडर से इसे सेट कर सकते हो। आप चाहो तो लूज़ पाउडर से भी इसे सेट कर सकते हो। सबसे पहले मैं यहाँ पर आई मेकअप करूँगी और मैं अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग आई मेकअप कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे मैरून कलर का आई शेडो ले रही हूँ और आप देख सकते हो मैं यहाँ पे कैसे कर रही हूँ। अपनी क्रीज लाइन के ऊपर से मैं इसे लगा रही हूँ। अगर आपको स्मोकी आइज़ करने में दिक्कत होती है तो आप सेलो टेप का यूज़ कर सकते हो। उससे आपकी जो स्मोकी आइज़ है वो बहुत अच्छे से निकलेगा, उसकी लुक बहुत अच्छी आएगी, उसकी फिनिशिंग एक अलग होती है। आपने कई यूट्यूबर्स को या मेकअप आर्टिस्ट को देखा होगा कि वो जब भी आई मेकअप करते हैं तो वो सेलो टेप लगाते हैं। वो इसलिए लगाते हैं ताकि उनकी एक अच्छी सी लुक आ जाए। मैं यहाँ पे ब्रश की हेल्प से ही स्मोकी साइज क्रिएट कर रही हूँ। और आप देख सकते हो मैंने ब्लैक शेड लिया हुआ है और बिल्कुल मैंने थोड़ा सा लिया है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं लिया है। मैं इसे अच्छे से यहाँ पर ब्लेंड कर रही हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे कैसे कर रही हूँ। आपको वैसे ही करना है। अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करोगे तो आप अच्छे से स्मोकी आइज क्रिएट कर लोगे। ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, अगर बस आप प्रैक्टिस करते रहो तो ये आपसे भी हो जाएगा। आपको कहीं जाके मेकअप सीखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करो तो। उसी तरह मैं सेम इस आइज पर भी स्मोकी आई क्रिएट कर लूँगी और मैं यहाँ पर ब्रश की हेल्प से ही कर रही हूँ। आप देख सकते हो मैं यहाँ पे कैसे कर रही हूँ। आपको भी एकदम वैसे ही करना है। बिल्कुल लाइट हैंड आपको चलानी है और हल्का हल्का सा क्रीज लाइन पे भी देना है ताकि एक अच्छा सा लुक आ जाए। बस आपको ध्यान रखना है कि आप ब्लेंड अच्छे से करो। जितना अच्छे से आप ब्लेंड करोगे उतना अच्छा आपका लुक आएगा। अब यहाँ पे मैं सिवाना का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। ब्लशर के साथ ही हाइलाइटर आता है तो मैं वो हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ अपने आईब्रोज़ के नीचे। सेम उसी तरह मैं दोनों आईज पे हाइलाइटर लगा लूँगी। यहाँ पे मैं अगेन कंसीलर का यूज़ कर रही हूँ अपने स्मोकी आई को एक और अच्छा सा शार्प लुक देने के लिए। आप देख सकते हो मैंने जहाँ पे ब्लैक कलर का आई शेडो लगाया था, स्मोकी आई क्रिएट की थी, वहाँ पे मैं कंसीलर थोड़े सी लगा रही हूँ ताकि एक अच्छा सा लुक आ जाए, बिल्कुल एक लाइन सा दिखे। और आप देख सकते हो कंसीलर लगाने के बाद यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है मेरा आई मेकअप। तो आप यहाँ पे इसे ब्रश की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हो, ब्यूटी ब्लेंडर से भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे अपने हैंड से ही कर रही हूँ और मैं सेम पैलेट से ब्लैक आई शेडो ले रही हूँ और अपने आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ। अगर आपके पास आईब्रो पेंसिल नहीं है तो आप ऐसे भी अपने आईब्रोज़ को फिल कर सकते हो। काफ़ी अच्छे से फील हो जाता है ये और बिल्कुल नेचुरल भी दिखता है। आपको थोड़ा सा ही प्रोडक्ट लेना है। और यहाँ पे मैं फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ अपने आईब्रोज़ को फिल करने के लिए। और आप यहाँ पे देख सकते हो मैं कैसे कर रही हूँ। आपको भी बिल्कुल वैसे ही करना है। बिल्कुल आपको अपने हैंड का बस ध्यान रखना है। आप अच्छे से धीरे धीरे से करो अगर आप बिगिनर्स हो तो। यहाँ पे आईलाइनर लगा रही हूँ। आप कोई सा भी अपना फेवरेट आईलाइनर लगा सकते हो। अगर आपके पास जेल आईलाइनर है तो आप वो भी लगा सकते हो। जो आपको पसंद है आप वो लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल धीरे धीरे से आईलाइनर लगा रही हूँ क्योंकि आई मेकअप करने के बाद जब आप आईलाइनर लगाते हो ना तो इसमें डर होता है, अगर थोड़ा सा भी वो इधर उधर हो जाता है तो पूरा आई मेकअप ख़राब हो जाता है। तो आपको भी बिल्कुल ध्यान में रखते हुए एकदम धीरे धीरे से आईलाइनर लगाना है। अगर आप बिगिनर्स हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, वरना आपको आई मेकअप पूरा फिर से करना पड़ेगा। अब मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए यहाँ पे गुड वाइब्स का अर्गन फेशियल ऑयल लगा रही हूँ विथ गोल्ड लिप्स वाला। इसमें सिल्वर लिप्स भी आते हैं, गोल्ड लिप्स भी आते हैं। तो यहाँ पे जो मेरे पास है वो गोल्ड लिप्स में है।
तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हो ड्रॉपर की हेल्प से लगा रही हूँ, तो ये मेरे फेस पे अच्छे से मॉइस्चराइज कर देगा मेरे पूरे स्किन को। उसके बाद आपको मॉइस्चराइजर नहीं लगाना है, ये बहुत ही इजीली आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है और आप देख सकते हो, और आपका मेकअप को भी ये काफ़ी ग्लोई बनाता है। तो इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं और आपके स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आप ऑयली स्किन वाले हैं तो भी आप इसे ट्राई कर सकते हो, काफ़ी इजीली ब्लेंड हो जाता है और आप देख सकते हो मेरे स्किन में कितना जल्दी ये एब्जॉर्ब हो गया है। नेक्स्ट मैं प्राइमर लगा रही हूँ अपने फेस पे, आप कोई सा भी अपना फेवरेट प्राइमर लगा सकते हो। प्राइमर आपको बिल्कुल पी साइज अमाउंट लगाना है, बहुत ज़्यादा प्राइमर आपको नहीं लगाना है। प्राइमर हमारे फेस के ओपन पोर्स को क्लोज करता है और हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। तो आप कलर बार का भी प्राइमर यूज़ कर सकते हो, कलर बार का प्राइमर काफ़ी अच्छा प्राइमर है, तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट मैं यहाँ पे फाउंडेशन लगा रही हूँ और यहाँ पे मेरे पास ADS का फाउंडेशन है, काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है ये। इसकी प्राइस 250 रुपीज़ है, तो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे आपको ये मिल जाता है और आपके फेस पे ये मीडियम कवरेज देता है। यहाँ मैं ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहो तो ब्रश का भी कर सकते हो, अपने हैंड से भी कर सकते हो, बट मैं ज़्यादा अच्छा प्रीफर करती हूँ ब्यूटी ब्लेंडर, क्योंकि ये आपके पूरे प्रोडक्ट को एक तरह से मिला देता है, कहीं भी ज़्यादा कम नहीं होने देता है, तो ये काफ़ी अच्छी इसकी फिनिशिंग होती है, बिल्कुल नेचुरल लगता है। नहीं तो आप अगर हैंड से अप्लाई करोगे तो कहीं पे ये उपक जाता है, कहीं पे ज़्यादा कम हो जाता है, तो ब्यूटी ब्लेंडर क्या करता है सारे प्रोडक्ट को अच्छे से मिक्स कर देता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर का ही यूज़ कर रही हूँ, आप भी ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर का ही यूज़ करें। अगर आप ब्रश से कर रहे हो तो आप एक बार फिर लास्ट में उसे ब्यूटी ब्लेंडर से सेट ज़रूर कर लें। और थोड़ा सा और प्रोडक्ट लेके मैं अपने अंडर आइज़ के नीचे जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा है कि और चाहिए, तो वहाँ पे मैं इसे अच्छे से मिला रही हूँ। आप अपने नेक को कभी भी स्किप ना करें, जब आप अपने फेस का मेकअप करते हो तो अपने नेक को भी ज़रूर साथ में करो, नहीं तो आपकी स्किन टोन वहाँ की वाइट लगेगी और यहाँ पे थोड़ा सा डल लगेगा, तो जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं यहाँ पे देख सकते हो ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही कर रही हूँ, और मेकअप को सेट करने के लिए, मैं अपने फाउंडेशन को सेट करने के लिए यहाँ पर लैक्मे का रोज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ये लूज़ पाउडर है, आप चाहो तो कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे लूज़ पाउडर कर रही हूँ। और फिर आप देख सकते हो ये लूज़ पाउडर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अफोर्डेबल है, बहुत ही बजट में है ये लूज़ पाउडर आपके। मैंने यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट आपको दिखाए हैं वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। यहाँ पे मैं काजल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी अपना फेवरेट काजल यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा काजल यूज कर रही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा काजल लगाना पसंद नहीं करती। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे मस्करा लगा रही हूँ, आप कोई सा भी अपना फेवरेट मस्करा लगा सकते हो जो आपके पास अवेलेबल है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, जो मैं आपको प्रोडक्ट बता रही हूँ आप वही यूज़ करो, जो आपको अच्छा लगता है आप वही यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कलर एसेंस का लिपस्टिक लगा रही हूँ, आप कोई सा भी अपना फेवरेट लिपस्टिक लगा सकते हो। अब मैं नेक्स्ट यहाँ पे सिवाना का ब्लशर लगा रही हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे ये ब्लशर काफ़ी अच्छा ब्लशर है, आपके फेस पे एक ग्लो सा देता है और इसमें आपको हाइलाइटर भी मिल जाता है, ब्लश और हाइलाइटर ये दोनों का काम करता है। आप देख सकते हो ये कितना अच्छा लग रहा है। अब नेक्स्ट मैं सिवाना का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ अपने चीक बोन्स के ऊपर, नोज़ के ऊपर, थोड़ा फोरहेड, अपर लिप्स पे, मैं हर जगह इससे थोड़ा थोड़ा यूज़ करूँगी। हाइलाइटिंग करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, हाइलाइटिंग आपके फेस को एक अलग सा ही लुक देता है, आपका फेस ग्लोई लगता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने थोड़ा सा अप्लाई किया और मेरा फेस कितना ज़्यादा ग्लोई लग रहा है। अब मैं अपने ईयरिंग्स पहन लूँगी, ये मेरा नेकलेस है। अब मैं अपने हेयर स्टाइल करूँगी, जिसके लिए मैं अपने हेयर पे मांग टीका पहनने वाली हूँ और मैं यहाँ पे बीच मांग कर रही हूँ, आप देख सकते हो। तो ये है मेरा फाइनल लुक, आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। टिल देन, बाय।